मौजूद है भगवान भोले की निशानी, जिसके क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी बताई कहानी, कैसा और किस हाल में वो कटासराज मंदिर, मंदिर जहां गिरे थे भगवान भोलेनाथ के आंसू। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। आपने भारत में तो एक से बढ़कर एक पुराने और ऐतिहासिक मंदिर देखे होंगे और घूमे भी होंगे, लेकिन बात जब पाकिस्तान की हो और वो भी वहां मौजूद मंदिर की, तो ये जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है कि किसी इस्लामिक देश में मौजूद वो मंदिर कैसा होगा, किस हालत में होगा। तो आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में मौजूद ऐतिहासिक कटासराज मंदिर के बारे में, जिसका बखान इन दिनों पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर भी कर रहे हैं। आजकल अपना YouTube चैनल चला रहे शोएब अख्तर ने अपने पेज पर इस मंदिर से जुड़ी कई बातें बताई हैं। कहाँ है कटासराज मंदिर? कटासराज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित है। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ठीक बगल में साल्ट रेंज की मशहूर पहाड़ियों के पास है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर महाभारत काल में प्रसिद्ध यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था और युधिष्ठिर ने यहां की सुंदरता की काफी तारीफ की थी। इस मंदिर का नाम कटासराज इसलिए पड़ा क्योंकि देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को लेकर कटाक्ष किया था। इसी कटाक्ष शब्द से कटासराज की उत्पत्ति मानी जाती है। देवी सती ने जब अग्नि समाधि ली तो भगवान शिव के आंसू भी यहीं पर गिरे थे। वो इतना रोए कि वहां एक झील बन गई, जो आज भी आंसू वाली झील के रूप में मशहूर है। श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान भी करते हैं। कटासराज के अलावा भगवान शिव के आंसू राजस्थान के पुष्कर में भी गिरे थे, जहां पुष्कर तालाब है। कटासराज मंदिर के सतघरा मंदिर के समूह में सिर्फ चार मंदिरों के अवशेष बचे हैं, जिसमें भगवान शिव, राम और हनुमान के मंदिर हैं। साथ ही यहाँ पर बौद्ध स्तूप, जैन मंदिरों के अवशेष और सिख धर्म से जुड़े स्थल भी हैं। कहते हैं यहाँ पर सिखों के गुरु नानक देव और नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ भी आए थे। सिखों के महाराजा रणजीत सिंह इस मंदिर में नियमित पूजा करते थे। उन्होंने बैसाखी के मौके पर 1806, 1818 और 1824 में इस मंदिर में दर्शन किया था। शिवरात्रि पर पहुँचते हैं भारतीय श्रद्धालु। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के श्रद्धालु शिवरात्रि के मौके पर कटासराज मंदिर पहुँचते हैं। साल 2015 में 179 भारतीय श्रद्धालु को पाकिस्तान की ओर से वीजा जारी किया गया था। कटासराज ये महाभारत कालीन प्राचीन तीर्थ स्थान है हमारा, और इसमें श्री गीता जी में इसका वर्णन आया, धरती का दूसरा नेत्र माना गया है। एक श्री कटासराज, दूसरा पुष्कर राज जो अजमेर में राजस्थान में वाकया है। उम्मीद थी कितने वर्षों के बाद कटासराज यात्रा करने की, और ये साल हमारी आशा अमर हो गई। तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार ने साल 2015 में 179 श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया था। साल 2016 में 100 श्रद्धालुओं को कटासराज मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला था। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जिस तरह से इनकी खिदमत करेंगे आने वाले दिनों में, ये यहाँ से जो पैगाम लेके जाएंगे, जो जज्बात लेकर जाएंगे, ये इनकी ज़ुबान से, प्रेस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए भारत के तूल व अर्ज में, पूरे भारत में पहुँचेगा और उन्हें महसूस होगा कि यहाँ हम पाकिस्तानी अपने इन हिंदू और सिख भाइयों को मोहब्बत देने वाले हैं, इनके लिए हमने अपने बाजू खोले हैं, इनके लिए हमने अपने दिल खोले हैं, हम इन्हें सफ़र की सहूलतें फराहम कर रहे हैं, हम इन्हें क़याम व ताम की सहूलतें फराहम कर रहे हैं, हम इनके तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे हैं। महमूद गजनवी ने किया मंदिर पर हमला। अपने आप में हजारों साल का इतिहास समेटे पाकिस्तान में मौजूद इस कटासराज मंदिर को भी मुगल आक्रांता महमूद गजनवी के कहर का शिकार होना पड़ा था। कटासराज मंदिर संगीत, कला और विद्या का भी बड़ा केंद्र था। अपने उत्कर्ष काल में इस मंदिर से करीब 10,000 विद्वान और कलाकार जुड़े हुए थे, लेकिन 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मंदिर का वैभव नष्ट हो गया। प्राण और आजीविका बचाने के लिए कलाकारों का पलायन हुआ और बहुतों को गुलाम बनाकर अरब में बेच दिया गया, जहां से यूरोप पहुंचे। कई शोध बताते हैं कि यूरोप की जिप्सी या रोमान जाति के लोग उन्हीं कलाकारों के वंशज हैं, जिनके संगीत को रोमान संगीत कहा जाता है। कटासराज पाकिस्तान के जिस साल्ट रेंज पहाड़ियों के पास है, वहां का सेंधा नमक आज भी हिंदू के लिए पवित्र है। 6वीं से 8वीं सदी के बीच कई राजाओं ने साल्ट रेंज में ढेर सारे मंदिर बनवाए, जिसमें अंबा मंदिर, नंदना किला, काफिर कोट मंदिर, कलार कहार मंदिर, मलोच बिलोट मंदिर के अवशेष अभी भी हैं। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में कटासराज मंदिर के जीर्णोद्धार और उसे यूनेस्को विरासत सूची में लाने के प्रयास किए हैं।
इस ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी कर चुके हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से चकवाल जिले की दूरी करीब 620 किलोमीटर जबकि पंजाब से 300 किलोमीटर दूर है। इसी चकवाल जिले में कटास राज मंदिर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से इस जिले की दूरी 125 किलोमीटर दूर है।